शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे मेरा क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा? ऐसे आशिक बड़े खतरनाक होते हैं, डर पिक्चर देखिए आपने, खून भी कर डालते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, मुझसे भी अच्छे, यहाँ आपका इलाज अच्छी तरह से हो जाए। नहीं डॉक्टर, आप खड़े क्यों यहाँ? तो कहिए मुन्ना भाई, लड़की मिली? डॉक्टर साहब मिली, अच्छा बरोबर मिली, काल पे हाथ भी लगा, अपुन का तो ब्लड ही जम गया। लेकिन वो बोली कि वो 10-15 दिन के लिए बाहर जा रही है, अपुन तो बोल ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो बाहर गई है तो वापस भी आ जाएगी। क्या बोल रहे हैं आप? अरे मेरा क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा? देखिए देखिए, आप डॉक्टर, आप बीमार हो जाएंगे तो आपकी पेशेंस को कौन देखेगा? वैसे ही मेरा है, वैसे ही मेरा काम है मारना, धमकाना, हाथ पैर तोड़ना, गोली मारना। लेकिन आजकल ना मैं धमका पा रहा हूं ना मैं गोली मार पा रहा हूं। अरे पहले ना डॉक्टर साहब आंख बंद करके गोली चलाता था, अभी अभी आंख खोल के भी गोली चलाता हूं तो जगह पे लगती ही नहीं। ये निशाना तो एकदम चूक गया आपका, ये रिवॉल्वर नीचे कीजिए, एकदम नीचे कर दीजिए। हाँ देखिए मुन्ना भाई, ये लड़की से मिलने आप ये रिवॉल्वर लेकर के गए थे? तो मिल चुकी लड़की? भाई साहब लड़की से मिलने रिवॉल्वर लेकर के नहीं, फूल लेकर के जाते हैं। फूल, ये, फूल फूल, आप ये रिवॉल्वर यहां रख दीजिए, बिल्कुल यहां यहां रख दीजिए, बस एक ही है कि और हाँ अच्छा मत हाँ यार यहां बस दो दो ना, एक इधर उधर कहीं एक और ढूंढ लीजिए। अच्छा हाँ वो वो भी यहाँ रख दीजिए, एक दो तीन 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 ही है ना? एक मिनट एक अच्छा ओ हाँ ना ना भी यहीं रख दीजिए, हाँ यहीं रख दीजिए, हाँ बस बस। देखिए ये फूल मैं आपको दे रहा हूँ, ये फूल लीजिए, लड़की के पास जाइए, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कीजिए, डॉक्टर इंसानों की तरह बात कीजिए। डॉक्टर साहब उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ? हाँ कुछ भी, लेकिन आप बताइए वो लड़की मुझे मिलेगी ना? मिलेगी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी हाँ जरूर मिलेगी। डॉक्टर साहब थैंक यू, डॉक्टर साहब थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब। मैं जाऊँ? हाँ जी जाऊँ, हाँ जाता हूँ। अच्छा बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार, 1 2 3 4 ठीक है। हेलो, कहाँ है तू? मैं डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर हूँ, लेकिन मुन्ना भी अंदर ही है। आज वो बचना नहीं चाहिए, खत्म कर डाल साले को, ठीक ना? उसके मरने के पहले उसको पता चल जाना चाहिए कि पिल्लई ने मरवाया उसे। ऐसा ही होगा भैया, ऐसा ही होगा भैया, लगता वो आ रहा है। मिलेगी, मिल जाएगी। ए मुन्ना, बहुत बड़ा दादा समझता है ए, ए, आज तू सुनेगा, मेरे भाई पिल्ले को मारेगा, हमारा बिजनेस छीनेगा, तू हमारी प्रॉपर्टी को छीनकर जानू चाचा के बच्चों के नाम करेगा। अरे भाई साहब शूटिंग हो रही है यहाँ, कैमरा कहाँ, हीरो कौन है? अबे चल फुट, यहाँ असली शूटिंग हो रही है। अरे भाई साहब असली शूटिंग ऐसे खुलेआम थोड़ी होती है, वैसे आप टीवी सीरियल के एक्टर हैं कि फिल्मों के? अरे नहीं तो थोड़ी बात नहीं, ये तो असली शूटिंग है जो आजकल अखबारों में पढ़ता हूँ, मुझे माफ कर दो भाई। डॉक्टर साहब मिलेगी ना? मुझे मुझे नहीं मालूम था भाई। अरे 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 तेरी वजह से मुन्ना मेरे हाथ से निकल गया, मारूंगा एक। ये आपकी है? हाँ हाँ
ये असली है कि खिलौना? असली है भाई, इसमें गोली भी है। मैं कैसे मानूं? मैं तो चला के देखूंगा, अगर आपको लगी तो असली है वरना। अरे चलाना नहीं। अरे भाई साहब आपकी गलती। असली है। Hold the ball like this. Okay. Right. Just turn it around and roll it. अच्छा, okay. Come on. Like this and. ये खाना पीना बंद करो और ये मोटी मोटी गोलियां भी खेलना बंद करो। चलो चलो। क्या हो रहा है यहाँ? सुन भाई, मुन्ना भाई इधर आया। तो? जहाँ मुन्ना भाई आता है वहाँ कोई नहीं रहता है। कोई नहीं जाएगा। बैठो। क्या बोला तू? दिमाग सटक गया ना क्या? ये रहने दे सबको। अरे यार तुम इज्जत से बात कर मुन्ना भाई से। ये मुन्ना भाई है? हाँ यही मुन्ना भाई है, सबके भाई। याद रखना राजा, कल तेरी वजह से मेरी जान बच गई, तेरा एहसान मुझ पर है, समझा? है ना एहसान, मानते हो? और देखो तुम्हारे आदमी कैसे धमका रहे मुझे। दूंगा एक। मांग, क्या मांगता है? जान मैंने बचाई, और मांगू भी मैं? अरे मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है, तो बड़ा कौन हुआ? अरे भाई मेरा ना कोई आगे है ना पीछे है, क्लब में बच्चों को खिलाता हूँ साथ में खुद भी खेल लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए। भाई को रिवॉल्वर दिखा रहा है? अबे दिखा नहीं रहा हूँ, दे रहा हूँ। ये उसका है जिसने कल आपको मारने की कोशिश की। हट, किसी ने कंप्लेन कर दी तो मैं फंस जाऊंगा इलीगल हथियार के चक्कर में। ये रख, ठीक है, जब भी आप उनकी जरूरत पड़ेगी ना तो मुन्ना भाई को याद कर लेना। ठीक है भाई। भाई हा? आप बोलो तो मोटी गोली का खेल खेल के आऊं क्या? क्या बोलता है ये यार? खेल ले मजे ले ले। ए, हमको भी सिखा ना, नाजुक छोकरी को सिखाता है, हमको भी सिखा। ए, पुप, ए, बहुत मोटी है ये तो यार। चलो। भैया दैट्स माय ऑर्डर, ओके? भाई देखो कौन आया है। कमिश्नर साहब। सलाम कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब क्या नसीब वाले आप, मुन्ना भाई आपको सलाम कर रहे ले है। वरना मुन्ना भाई को आखा शहर 10 बार सलाम करता है। यार मुन्ना बहुत घमंड है तुझे अपनी ताकत पर। अरे कमिश्नर साहब आपको अपनी वर्दी पे घमंड है, मुझे मेरे ताकत पे घमंड है। हिसाब बरोबर। शायद तुम्हें कानून की ताकत का अंदाजा नहीं है मुन्ना। कानून? भाई ये नाम कहीं सुना सुना लगता है ना। सुना क्यों नहीं भाई, है क्या, है क्या? तेरे को लगता है वो है ना, वो हाथ में तराजू, छोकरी के हाथ में तराजू है ना। अरे रे रे रे, वो जो छोकरी जिसके आंखों में पट्टी है हाथ में तराजू है। अंधा कानून साहब, पूर्णचंद्र राव की फिल्म थी ना अंधा कानून। हाँ अमिताभ बच्चन वाली ना। अंधा कानून। कानून अंधा नहीं होता है मुन्ना, अंधे तो तुम जैसे लोग होते हैं जो कानून को देख नहीं पाते, जो अपनी ताकत के नशे में चूर शहर में जुर्म और क्राइम फैलाते हैं। जुर्म मैं करता हूँ, क्राइम मैं करता हूँ। ये लीजिए कमिश्नर साहब, लगा दीजिए हथकड़ी, ले जाइए मुझे अदालत में। सबूत कहाँ है कमिश्नर साहब? सबूत लाइए ना। सबूत है ही नहीं ना। कितने कमिश्नर आए और गए, लेकिन मुन्ना भाई है ना, माइलस्टोन की तरह उधर ही खड़ा है कमिश्नर साहब। लेकिन मैं तुझे गिरफ्तार किए बिना नहीं जाऊंगा। कमिश्नर साहब, जिस दिन आप मुन्ना भाई के खिलाफ सबूत और गवाह इकट्ठे कर लाएंगे ना, मुन्ना भाई खुद आपके पास आ जाएंगे। जुबान हेलो डॉक्टर रस्तोगी। हाँ जी बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार, कौन बोल रहा है? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा सर, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर, आप कमाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपकी बहन आपसे भी ज्यादा कमाल है। hey, कौन हो तुम? सर आपका होने वाला जीजा। जान से मार दूंगा तुझे। अपनी बहन को विधवा करेगा? शट अप। भैया मैं क्लासेस को जा रही हूँ। हाँ तुम अब यूं ही डॉक्टर साहब से मिलने चला आया? बदतमीज, कहाँ से मिल जाता है इन लोगों का नंबर, कमबख्त। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अरे पता नहीं कौन है कोमल को लेकर के फोन पर उल्टी सीधी बातें करता रहता है, ये नालायक। ये आपने ठीक नहीं किया डॉक्टर साहब। क्यों? मुझे बताया तक नहीं, आप मुझे पराया समझते हैं। अरे मैंने कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम तो हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो, है ना? एक लड़का आपको परेशान कर रहा है और आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे बचपन से मेरा है ही कौन, जब भी सर्दी खांसी जुकाम मलेरिया मुझे हुआ है उसका फ्री इलाज किया आपने। अरे मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता, ऐसे लोगों से निपटना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। राजा उसे 2 मिनट में ठीक कर देगा। क्यों? Excuse me? अगर उसका फोन हो तो मेरी बात कराइएगा। राजा तुम भैया को परेशान क्यों कर रहे हो? अरे मेरे साले हैं, इतना हक तो बनता है। हेलो तो आप लोगों से मेरी शिकायतें करते फिरते हैं? तुम फिर? ए,
तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे तो ये भी पता है कि इस वक्त तेरी बहन क्लासेस जा रही है। इस बार उसे उठा के साथ फेरे लेके सीधा आशीर्वाद लेने आ जाऊंगा। गोली 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 मार दो हाथ तुझे, गोली मार दो हाथ तुझे। लाइए लाइए करते रहते हो तुम लोग, मुझे दीजिए। हेलो कौन है बे? मैं राजा। हाँ ठीक है। हाँ क्या हुआ? वो कोमल को उठाने की बात कर रहा था। अरे बाप रे, आप घबराइए नहीं, कोमल को क्लासेस छोड़ने मैं ही जाऊंगा और लेने भी मैं ही जाऊंगा। गुड आइडिया भैया, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अरे भाई कैसे फिक्र ना करें, कौन है ये? अंडरवर्ल्ड का डॉन है, गुंडा मवाली है, मुझे तो भाई बड़ी घबराहट हो रही है। ये लीजिए, मैं हूँ ना, आप घबराइए नहीं। कोमल बाय भैया। देखो कोमल, तो तुम डॉक्टर साहब के साथ मलेशिया जा रही हो? मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन भैया जबरदस्ती कर रहे हैं। अभी ठीक करता हूँ। फिर शुरू हो गए। हेलो डॉक्टर साहब। तुम? हाँ मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं और आप बहुत बड़े कमीने हैं। अपने होने वाले बहनोई को गाली देते हैं। वैसे मैंने सुना है कि आप मेरी होने वाली बीवी को लेकर मलेशिया जा रहे हैं। किसने कहा आपको? किसने कहा कि मैं मलेशिया जा रहा हूँ? चलो आपने इतना तो माना कि कोमल मेरी होने वाली बीवी है। नहीं नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं माना। देखो मेरी बात सुनो, ये बेवकूफी तुम्हारी नहीं चलेगी यहाँ पर। वैसे आपके पीछे पीछे मैं भी मलेशिया आ रहा हूँ, वहीं कोमल से शादी करूंगा। मेरे पीछे आ रहे हो? चुप। अब देखो तुम्हारे भैया मुझे मलेशिया कैसे लेके जाते हैं। चले क्या बात है डॉक्टर साहब? बहुत परेशान लग रहे हैं। अरे भाई साहब मैं बहुत टेंशन में हूँ। ये जो फोन वाला गुंडा है, इसे हमारे बारे में सब कुछ कैसे पता चल जाता है? बहुत ही डेंजरस किस्म का आदमी है ये। पता चल गया इसको कि हम मलेशिया जा रहे हैं। ऐसे आशिक बड़े खतरनाक होते हैं। डर पिक्चर देखिए आपने, खून भी कर डालते हैं। क्या बात कर रहे हो? आप एक काम कीजिए, कोमल को यहीं छोड़ दीजिए। अरे नहीं नहीं, इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा यहाँ। अगर उसे पता चल गया कि मैं अकेली हूँ तो कुछ भी कर सकता है। बताइए डॉक्टर साहब, आप समझते नहीं है, आप ठहरे शरीफ आदमी, मलेशिया में आपके सामने आ गया तो आप किसी को साथ क्यों नहीं ले जाते? हाँ ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन किसे? आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि मैं साथ चलूं? मैं बिल्कुल यही सोच रहा था। नहीं नहीं, मेरे पास बहुत काम है। हाँ हाँ, हमारे लिए अपना काम क्यों छोड़ेंगे, जाने दीजिए इसे। अरे नहीं, कैसे जाने दे? देखिए भाई साहब, आप हमारे साथ आएंगे तो हमारा थोड़ा मॉरल करेज बढ़ेगा, दिलासा मिलेगी हमें, और फिर मलेशिया की सैर भी आप कर लेंगे। अच्छा मेरा पासपोर्ट। धन्यवाद। तुम डॉक्टर साहब डिस्पेंसरी गया, वहां पता चला कि आप बाहर जा रहे हो। हाँ लेकिन मेरा क्या होगा? मैं लौट कर आऊंगा तो आपको बता दूंगा। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? आई एम सॉरी, मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब वहाँ का नंबर, वहाँ का पता बताते जाइए, अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो। देखिए इस शहर में 50 डॉक्टर हैं, उन्हें दिखाइए। मैं 15-20 दिन के लिए सुकून से रहना चाहता हूँ, इसलिए आपको नहीं बता सकता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब मलेशिया, मलेशिया जा रहा हूँ मैं, मलेशिया में कुआलालंपुर, गोल्डन पैलेस होटल, 48 स्ट्रीट, फोन नंबर 212-383-738, फैक्स नंबर 212-383-727, रूम नंबर मुझे वहां जाकर के पता चलेगा, और यहाँ का मोबाइल जो है वो वहां काम करता है। डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे। साधन मैं भी साथ मिले। देखो क्या सुंदर, वाह दिस ब्यूटीफुल। वेलकम सर, वेलकम मैम। हाँ ये रहा रिसेप्शन। गुड आफ्टरनून सर। हेलो गुड आफ्टरनून डॉक्टर रस्तोगी, यू हैव अ रिजर्वेशन फॉर मी? यस सर, श्योर। यस, वन स्वीट एंड वन सिंगल। यस सर, सिंगल रूम? आप लोग सिंगल रूम में कैसे रहेंगे? नहीं नहीं, सिंगल में आप रहेंगे, हमारे लिए स्वीट। गुड बाय। अरे अरे कहाँ चले? वापस इंडिया। क्यों, ये होटल आपको पसंद नहीं आया? होटल नहीं, कमरा। आप स्वीट में रहेंगे और मैं सिंगल रूम में। नौकर हूँ मैं, आपकी मदद के लिए आया हूँ, इनकी खातिर, इनका बॉडीगार्ड बनके मैं चला। अरे अरे अभी ठीक किया देते हैं हमें। एक्सक्यूज मी। यस सर। मेक दैट टू 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 स्वीट्स। यस, वन फॉर हिम वन फॉर मी। ओके सर। वाह डॉक्टर साहब, फ्री की ऐश करा दी, उनको थैंक यू बोलता हूँ। दिस इज अ फाइन रूम। हेलो डॉक्टर रस्तोगी स्पीकिंग। क्यों बे डॉक्टर, पहुंच गया मलेशिया। तुम यहाँ कैसे आ गए? जैसे तू आया है, सुना है अपने साथ कोई बॉडीगार्ड भी लाया है? ऐसे 10 बॉडीगार्ड भी रख लेगा ना तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
तेरी बहन से यहीं शादी करूंगा। शट अप। क्या हुआ भैया, वो यहाँ भी आ गया? हाँ यहाँ भी आ गया, और इतनी जल्दी उसे होटल का नाम भी पता चल गया और कमरे का नाम, ये दो फिर आ गया। अरे हेलो, तुम क्या समझते हो अपनी बहन की शादी तुमसे करवा दूंगा? डॉक्टर रस्तोगी बोल रहे हैं ना? हाँ मैं बोल रहा हूँ, और तू अगर सामने दिखाना तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। देखो रिश्ता लेके तुम आए थे, मैं नहीं आया था। अरे कौन डॉक्टर, डॉक्टर डीडी? यस। अरे भाई साहब आई एम वेरी सॉरी, देखिए माफ कर दीजिए, वो क्या है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, परेशान कर रहा था कोई टेलीफोन पर, आई एम वेरी सॉरी। अरे पर यार तुम्हें कौन जानता है? जानता तो कोई नहीं, लेकिन मैं शाम को समझाता हूँ ना आपको, कोमल और हम आ रहे हैं ना आपके यहाँ तो बताएंगे आपको। जी वो भी क्या दिन थे यार, हॉस्टल में इकट्ठे पढ़े, MBBS किया, अब तुम वहाँ और मैं यहाँ, और बरसों की दोस्ती जो है वो अब रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। एक बात बताइए भाई साहब, कि आपने आज तक शादी क्यों नहीं की? कर लेते तो आपके भी बच्चे होते। ये है ना कोमल, ये मेरी बहन नहीं है, मेरी बच्ची है ये। भैया के लायक कोई लड़की देखी हो तो पहले इनकी शादी करवा दीजिए। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, ये हमारी कोई उम्र है शादी करने की? अरे 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 अजीब बात करते हो तुम। अरे यार तुम भड़कते बहुत हो। अरे आज तुम फोन पे भी भड़क रहे थे। अरे हाँ वो फोन वाली बात क्या थी? अरे हाँ भाई तुम तो जानते हो कि हिंदुस्तान के लड़के कैसे, मेरा मतलब कहा जाना चाहिए कि मुंबई के आशिक जो हैं वो कैसे होते हैं। एक ऐसा आशिक है वो हमारी कोमल को फोन करके तंग करता रहता है। तुम्हारा जब फोन आया तो मैंने सोचा उसका फोन आ गया। तुम भी कमाल करते हो यार। क्या बताएं? अरे भला उसका फोन यहाँ कैसे आ सकता है? अच्छा भाई तुमने इनकी इंट्रोडक्शन नहीं दी। ये मैं राजा हूँ, इनका और कोमल का बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड? भाई तुम तो मुंबई का माहौल जानते हो, आजकल मैंने सोचा एक बॉडीगार्ड रख लेते हैं, लड़का अच्छा है और अपने मोहल्ले का है, और फिर मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने मलेशिया की सैर भी हो जाए। ट्राई नो, थैंक यू, ओके ट्राई। आप लोग मुझे बहुत सीधे साधे लगते हैं, और खासकर आप तो बहुत ही अच्छे हैं। ओह थैंक यू। सोचता हूँ बता ही दूँ। क्या आप लोग ये शादी करके बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले रहे हैं? मुंबई के एक टॉन का दिल आ गया है कोमल पे, और उसने डॉक्टर साहब से कहा है कि अगर इसकी शादी कहीं और की गई तो दूल्हे को इधर आइए ना प्लीज मामा, इधर आइए। क्या बात है बेटा? मामा वो बॉडीगार्ड है ना, बॉडीगार्ड वो देखो उसने मुझे सब कुछ बता दिया। अरे क्या बता दिया? पापा उसने मुझे ये बताया कि मुंबई में एक डॉन है जिसका दिल कोमल पर आया है, और उसने उसने ये कहा है कि जो भी कोमल से शादी करेगा वो उसे। अरे डॉन इंडिया में है, मलेशिया में थोड़ी है। और फिर बेटे लड़की को देख कितनी खूबसूरत है, तुझे ऐसी लड़की दोबारा कहाँ मिलेगी? या ब्यूटीफुल प्रिटी कूल। क्यों भाई साहब क्या डिस्कशन चल रही है, ये दहेज वहेज की बात तो नहीं हो रही है कहीं? कैसी बात कर रहे हैं आप भाई साहब, आपकी बहन तो इतनी सुंदर है कि दहेज तो हमें देना चाहिए। वो ऐसे करते हैं दो तीन दिनों में कुछ खास खास लोगों को बुलाकर मंगनी की रस्म पूरी कर देते हैं। क्यों? आई एग्री विद यू कंप्लीटली। क्या हुआ? पापा ने कहा है कि डॉन मलेशिया नहीं आएगा। कूल चिल। डॉन कहीं भी आ जा सकता है, हो सकता है इस वक्त वो मलेशिया में हो। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? भाई भी है नीचे वेट कर रहे हैं। ये गाउन पहनो और चलो। हाँ चलो पहनो, जल्दी जल्दी पहनो। हाँ पहनो पहनो पहनो। अरे जल्दी जल्दी पहनो। हाँ जल्दी जल्दी पहनो, जल्दी 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 पहनो जल्दी। अरे जीना हराम कर दिया आपने हमारा मुन्ना भाई, कम से कम यहाँ तो सुकून से रहने दो यार। अरे डॉक्टर साहब आपको अपनी फिक्र है, मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। अरे बोलना। अरे आप उनके भाई की रातों की नींद हराम हो रही है और आप आराम से सो रहे ले? भाई उस लड़की के लिए ऐसे तड़प रहा जैसे बिन पानी के मछली। डॉक्टर साहब अब मैं आपको कैसे समझाऊं, वो लड़की अगर मुझे नहीं मिली ना तो मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर साहब आप जब मुझे नहीं मिलते ना तो बेचैन हो जाता हूँ मैं, लेकिन जब आप मिलते हैं ना तो दिल को सुकून मिलता है। अरे भाई तुम्हारी जिंदगी तो जो है सो है, मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो, मुझे तो चांस रहने दो। ए डॉक्टर कैसे डॉक्टर हो, पेशेंट से कोई ऐसे बात करता है क्या? डॉक्टर साहब डॉक्टर का काम है पेशेंट का ख्याल रखना, आज के बाद आपका कोई पेशेंट नहीं, एक ही पेशेंट है मुन्ना भाई। जितना आप एक महीने में कमाते हैं ना उतना मैं आपको एक दिन में दे दूंगा। हे पप्पू
आज का 5 पेटी दे दे, पहुंच जाएंगे। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप मुन्ना भाई। लेकिन हाँ, ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ आ गए। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, मुझसे भी अच्छे। यहाँ आपका इलाज अच्छी तरह से हो जाए। नहीं डॉक्टर, अब उनको सिर्फ तुम ही मांगता है। लड़की भी वही, डॉक्टर भी वही, तीसरा कोई मांगता ही नहीं। अच्छा मान लो कि मुझसे तुम्हारा इलाज नहीं होता तो क्या? मैं नहीं करता तुम्हारा इलाज। लड़की को तो तुम हासिल नहीं कर सकते, मुझे परेशान करने चले आते हो यार। डॉक्टर साहब, अपुन उस लड़की को प्यार करता है, वरना उसको कब का उठा के लेके जाता। अरे आपको अपुन की लाइफ के बारे में क्या मालूम है डॉक्टर साहब? बचपन से अपुन ने लोगों की गाली खाई, डांट खाया, मार खाया। जब बड़ा हुआ तो अपुन ने लोगों को डालना शुरू किया। डॉक्टर साहब, जब से वो लड़की अपुन की लाइफ में आई ना, उसने पूरी लाइफ चेंज कर डाली। प्यार क्या होता है वो उसने अपुन को सिखाया डॉक्टर साहब। अगर वो लड़की अपुन को नहीं मिली ना डॉक्टर साहब, अपुन साला मर जाएगा डॉक्टर साहब, मर जाएगा डॉक्टर साहब, मर जाएगा। मुन्ना भाई, अपुन को बचा लो डॉक्टर साहब। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये मर जाएगा तो मैं भी मर जाएगा। कोमल, राजा, क्या हुआ? कहीं वो तो नहीं आ गया? नहीं, वो नहीं आया। कोमल चली गई। चली गई कहाँ? हाँ, पता नहीं कहाँ गई है, कमरे में नहीं है। आधी रात को कहाँ जा सकती है? हाँ यही तो, मैं जब कमरा छोड़कर गया था तो वो वहीं सो रही थी, जब वापस आया तो थी नहीं। आधी रात को आप कहाँ गए थे? ढूंढते चलो आज अपने साथ। She's here. ये तो यहाँ है। बड़ी मुश्किल से सुना है। क्यों? अपने आप को अकेला पाकर डर गई थी, रो रही थी, कांप रही थी। अभी इसे यहां सोने दो, सुबह भेज दूंगा। थैंक गॉड, ध्यान रखना इसका। हाँ, इसलिए तो आया हूं। हैं? मेरा मतलब है कि जितनी आपको फिक्र है उतनी मुझे। गुड नाइट। करवट बदल ली। ये क्या हो रहा है यार? हाँ पिल्लई। ए, किधर है तू? अपन मलेशिया पहुंच गया है। अभी अपन वो ही होटल में जाएगा जहां पर मुन्ना ठहरे है। वो सब मैंने। अरे तू फिक्र मत कर, कल तक मुन्ना इस दुनिया में नहीं रहेगा, समझा? चल। हेलो, डॉक्टर रस्तोगी स्पीकिंग। डॉक्टर, अपनी बहन की मंगनी कैंसिल कर दे। तू लड़का देखने गया था, शादी की बात करने गया था, मंगनी करेगा? ये बात तुझे कैसे पता चली? कौन बताता है तुझे? क्या हुआ भैया, फिर उसी का फोन है? मैं इसकी बात जो है राजा से कराता हूँ, बोलिए इसको। भैया मैं उसे जाके बुलाती हूँ। नहीं, 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 टाइम नहीं है। मैं इसे बातों में उलझा कर राजा के कमरे में चला जाता हूँ। हाँ हेलो भैया। हाँ अरे ये मंगनी हो के रही, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिल्कुल कुछ नहीं। बहुत कुछ कर सकता हूँ डॉक्टर, मैं तेरी बहन से शादी करके उसे ले जाऊंगा और तू देखता रह जाएगा। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े कमीने निकलोगे। गंदी बात डॉक्टर, अपने होने वाली बहनोई को गाली देना बुरी बात है। बुरा तो अब तेरा होगा बच्चे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मेरे पीछे खड़ा है डॉक्टर? मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा। डॉक्टर साहब आप? जी हाँ मैं। कमीने, ये तो अचानक मेरे दिमाग में आया कि तुमसे बात करवा दूं तो सच्चाई का पता चला, वरना मुझे तो पता नहीं चलता कि मैंने आस्तीन में सांप पाल रखा है। राजा तुम्हें शर्म नहीं आती भैया के साथ इतना गंदा मजाक करते हुए? चलो कान पकड़ के माफी मांग लो भैया। अरे ये अगर अपनी गर्दन भी कटवा ले तो भी मैं इसे माफ ना करूं। डॉक्टर साहब माफ कर दीजिए। माफ नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल साफ कर दूंगा। निकल जाओ यहां से।
ना तो मैं तुम्हारे इस कमरे का बिल भरने वाला हूं, ना ही वापसी का किराया। आइंदा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना और ना ही इस मंगनी के आसपास नजर आना। नाउ गेट आउट, गेट आउट, निकल जाओ एकदम इधर से। चलो चलो बाहर निकलो। कैसे लोगों के साथ तुमने अपना पाला पाल रखा है?